बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूँ हाफिज कफायत। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस पहुँचती रहें, जिनमें हम वज़ाइफ भी बताते हैं, कीमती तम हर बीमारी और मर्ज़ के लिए रूहानी इलाज, और उसके साथ साथ देसी हिकमत के कीमती नुस्खे आपके खिदमत में पेश करते हैं। तो आज की वीडियो में जो नुस्खा हम आपको देने जा रहे हैं ये वो है शुगर के लिए। जो हजरात शुगर की वजह से परेशान हैं तो ये नुस्खा जरूर ट्राई करें, देसी है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ना गुर्दों पे, ना जिगर और मेदे पे किसी किस्म का। क्योंकि बाज लोग डरते हैं देसी अद्वियात और नुस्खे इस्तेमाल करने से कि इनका कोई और साइड इफेक्ट ना हो, कोई और नुकसान ना हो। तो पूरी इंशाल्लाह जिम्मेदारी के साथ आप मुझ पे यकीन करते हुए ये इस्तेमाल करें शुगर के मरीज, तो इंशाल्लाह आपकी मायूसी दूर होगी, आप मुतमईन होंगे और आपको हैरत अंगेज फायदा होगा शुगर को कंट्रोल करने में, और इसकी वजह से होने वाली कमजोरी और पेचीदगियां वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी। एक चम्मच आपने कलवंजी लेनी है, काला दाना कलवंजी एक चम्मच, दो चम्मच आपने रोगन जैतून, और ये याद रखें कि रोगन जैतून जो है वो एक्स्ट्रा वर्जन, एक मालिश के लिए होता है और एक खाने का एक्स्ट्रा वर्जन, वो आपने लेना है दो चम्मच। तीसरी चीज है वो है एक चम्मच छिलका इसबगोल, छिलका इसबगोल, ये तीनों चीजें लेकर एक चम्मच कलवंजी, दो चम्मच जैतून और एक चम्मच छिलका इसबगोल, एक गिलास नीम गरम दूध लेने, नीम गरम दूध में ये तीनों चीजें मिक्स कर लें अच्छी तरह और निहार मुंह ये पी लें नाश्ते से कम अज कम एक घंटा पहले। शुगर के मरीज 7 दिन करके ये देखें और इसको अपनी गिजा का हिस्सा बना लें, कोई इसका नुकसान कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर रोज ये करते रहें तो इंशाअल्लाहुल अजीज शुगर को आप बाआसानी शिकस्त दे सकते हैं और आप भरपूर खुशी की सेहत की जिंदगी गुजार सकते हैं, नॉर्मल जिंदगी शुगर के किसी भी किस्म के नुकसान और पेचीदगी से बचकर। दुआओं में याद रखें, अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलाम।